सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है त्याराज और आप देख रहे हैं हाईटेक कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस चैनल पे आपको टैक्स से रिलेटेड काफ़ी सारा वीडियोस देखने को मिलता है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को यूज़ करते हो तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि वहाँ पर कुछ दिन पहले आपको वो जो आपका जो स्टोरेज डिवाइस होता है उसके नीचे एक ब्लू कलर का बार देखने को मिलता था, लेकिन अब वो चीज़ देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, किस तरह से आप इस चीज़ को फिक्स कर सकते हो वो मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो कि ये कि अगर आप जाते हो डिस्क पीसी के अंदर तो वहां पे ब्लू कलर का बार आपको नहीं शो करता है, और दोस्तों वहां पे आपको ये भी पता नहीं चल पाता है कि कितना स्टोरेज आपने यूज किया है, कितना फ्री बचा है। तो ये सब चीजों को आप कैसे फिक्स कर सकते हो ये मैं आज को इस वीडियो में बताने वाला हूं, वो भी सबसे आसान तरीके से। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिस पीसी है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, मेरा जो ये चीज़ है, ये वाला स्टोरेज जो डिवाइसेस, ये कुछ इस तरह से शो कर रहे हैं और यहाँ पे मुझे पता भी नहीं चल पा रहा है कि कितना मैंने यहाँ पे स्टोरेज को यूज़ किया है, कितना बचा हुआ है। हालांकि मैं इसके ऊपर जब मैं ऐसे रखता हूँ थोड़ी देर के लिए, तब यहाँ पे शो करता है कि कितना यूज़ किया, कितना नहीं यूज़ किया है। लेकिन दोस्तों, पहले ऐसा नहीं था। पहले एक ऐसे लाइन शो करती थी ब्लू कलर की, जिसमें कि मैं आसानी से पता लगा पाता था कितना जो स्टोरेज है वो यूज हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो इस चीज को आप बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ फिक्स कर सकते हो। कैसे? आपको दोस्तों यहां पे एक व्यू का जो बटन देखने को मिलता है, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर दोस्तों आप इनमें से कोई भी चूज करोगे फिर भी आपको वो चीज शो नहीं करेगा, यानी कि आपका जो वो जो स्टोरेज डिवाइस में कितना बचा हुआ है, कितना नहीं बचा, वो चीज शो नहीं, वो जो लाइन होती थी ब्लू कलर की वो शो नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों यहां पे टाइल्स, ये जो टाइल्स वाला बटन है और ये जो कंटेंट वाला है, इन दोनों में ये चीज शो करता है बाय डिफॉल्ट। दोस्तों आपका टाइल्स के ऊपर रहना चाहिए, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि ये किसी और पे चला गया, तो आपको फिर से यहाँ पे टाइल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये वापस से नॉर्मल हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सो आई होप दोस्तों आप सभी को जो वीडियो था ये पसंद और पसंद है तो इसको लाइक जरूर से, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाले समय में जब भी मैं ऐसे वीडियोस को अपलोड करूं तो आप उनको सबसे पहले देख पाओ। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।